दिनांक 18/10/2019 को अजमेर के मदनगंज कस्बे में शाम के समय में पवन राठी व्यवसायी अपने दुकान बंद करके वापस घर आ रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसके रास्ता रोक करके, मोटरसाइकिल रोक करके उसके साथ में मारपीट करके, बल प्रयोग करके धमकाते हुए, उसके पास में करीबन 12 लाख रुपए नकद थे, वो ज़बरदस्ती उससे लूटे। लूटने के बाद में वो लड़के वहाँ से मदनगंज से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने अपनी पुलिस टीमें बना करके हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और उसमें कई अच्छे परिणाम आए कि जल्दी ही लूट में शामिल लड़के ट्रेस आउट हुए। कुछ लड़के अजमेर के हैं, कुछ लड़के दिल्ली के हैं। मोटे तौर पर जो इंट्रोगेशन हुआ है, जो अरेस्ट लड़के हुए हैं, 4 लड़के दिल्ली के हैं और बाकी 7 लड़के अजमेर के रहने वाले हैं। ये सभी दिल्ली के सभी लड़के हार्डकोर क्रिमिनल हैं, मर्डर में, डकैती में, लूट में, सभी में हैं। एक दो लड़के इसमें बेल जंप करके वांटेड है। कुल मिलाकर के इंट्रोगेशन में ये अब तक सामने आया है कि 11 में से 7 क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया है, उन 7ों से इंट्रोगेशन चल रहा है। 12 लाख की लूट में से 2,80,000 की रिकवरी हुई है। शेष रिकवरी की विश्वास है कि जो शेष बचे हुए मुलजम हैं और जिनको कल ही अरेस्ट किया है, उनसे रिकवरी के पूरे चांसेस है। एक मदनगंज का रहने वाला जो पवन राठी का पड़ोसी है, उसको आज अरेस्ट किया है, उससे इंट्रोगेशन हो रहा है। जो उससे इंट्रोगेशन में जो मोटे तौर पर जो बात सामने आई है कि उसने ही अजमेर के लड़कों को, दिल्ली वाले लड़कों को पूरी जानकारी दी है, रेकी की है, रेकी में सहयोग किया है। सहयोग करने के बाद में वो भी इस कॉन्स्परेंसी में अपराध में शामिल होने के कारण मदनगंज थानाधिकारी द्वारा उसको आज अरेस्ट किया गया है। विश्वास है पूरी रिकवरी के हमारे द्वारा प्रयास होंगे। जो आज अरेस्ट हुआ है, जो पड़ोसी है, उसका नाम मनीष है, मनीष योगी है, जो स्थानीय है जी। ये जो पहले गिरफ्तार हुए थे उनके सभी के कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जिसका पूर्व में कोई उन्होंने क्राइम नहीं किए हैं। आज जो अरेस्ट हुआ है मनीष योगी, इसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं कि इसके खिलाफ पहले का आपराधिक आचरण कैसा रहा है। चूँकि पड़ोसी है पवन राठी का, तो वो उसकी पूरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखता था और इस पूरी एक्टिविटीज़ के कारण जो रेकी इन लड़कों ने की है वो इनको शेयर करता था। और उस दिन जब ये पवन राठी अपनी दुकान करके निकला था, तो ये अब तक की इंट्रोगेशन में हमारे सामने आया है कि उसने ये बता दिया था कि पवन अपनी दुकान बंद करके रवाना हो गया है।